हरे कृष्णा राधे राधे कृष्ण राशि के चले में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज है कार्तिक मास का तीसरा दिन और तीसरा अध्याय। चलिए जी कथा शुरू करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आ जाए तो शेयर तो जरूर कर देना, लाइक और कमेंट भी कर देना ठीक। और चलिए जी अब कथा मैं सुनाती हूँ। बुक के बारे में आप पूछ रहे थे, तो कार्तिक महात्म्य ये नॉर्मल आप बोलोगे कहीं भी पूजा के स्टोर पे जहाँ पे बुक मिलती है आपको मिल जाएगी, अगर आप लाना चाह रहे हैं तो ठीक है जी। दिया मैंने प्रज्वलित कर लिया है और यहाँ रख लिया है जी। ये मेरा तुलसी माता आंवला और ये ज्वारे, तो तिल हाथ में ले लिए हैं, थोड़े से डाल लिए लोटे में। और जब हम कथा सुन लेंगे तो ये तिल हम जो जल है वापस तुलसी में डाल देंगे। संडे है तो नहीं डालेंगे ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो तुलसी माता की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी से भगवान श्री कृष्ण एवं सत्यभामा का यह समाज सुनकर नारद जी ने उनसे विनती की कि हे पितामह, कार्तिक मास में आपने तुलसी मंजरी और भगवान शालिग्राम का जो यह महत्व बताया है उसे कृपा कर विस्तार पूर्वक कहें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुलसी मंजरी सहित भगवान श्री शालिग्राम का चरणामृत घोर पापों से मुक्त कर देता है। जो जन अपने पितरों का श्राद्ध भगवान शालिग्राम की मूर्ति के समक्ष करते हैं उनके पितर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धालु भगवान शालिग्राम की प्रतिमा का दान करते हैं उन्हें पृथ्वी दान का फल प्राप्त होता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पंचदेव की अलग अलग पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु का केतकी के फूलों से, भगवान शिव का पूजन बिल पत्रों से, रक्त पुष्पों से सूर्य का, धतूरे के पुष्पों से गणेश जी का, एवं शक्ति का पूजन रक्त पुष्पों से करना चाहिए। जो भगवान विष्णु का पूजन कमल से और लक्ष्मी का पूजन मालती एवं चंपा के पुष्पों से करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। किंतु जो भक्त भगवान का पूजन तुलसी से करता है उसकी महिमा तो कहीं ही नहीं जा सकती। तुलसी की महिमा ऐसी है कि जो जन तुलसी वृक्ष की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है वह अपने पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदान करता है। हे पुत्र, तुलसी की माला धारण किए यदि किसी की मृत्यु हो जाए वह अविलंब वैकुंठ धाम को जाता है। तुलसी वृक्ष पर जल चढ़ाना गंगा यमुना सरस्वती में स्नान करने के समान पुण्यदायी है। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास का व्रत रखने वाले को चाहिए कि वह शांत चित्त होकर विधि विधान पूर्वक तुलसी का पूजन करे और प्रदक्षिणा कर नमस्कार करके इस प्रकार करे प्रार्थना कि हे हरि प्रिय, देवताओं ने तुम्हें बनाया है, मुनीश्वर ने तुम्हारा पूजन किया है, मेरा मनोरथ पूर्ण करो माँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, कार्तिक मास में क्या किसी अन्य वृक्ष की पूजा भी की जाती है? यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया, हाँ पुत्र, आंवले के फूलों एवं पत्तों से भी भगवान का पूजन होता है। आंवल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करने वाला सोने के आंवले का आंवले प्राप्त करता है। किंतु हे पुत्र, द्वादशी तिथि को आंवले एवं तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को आंवले अथवा तुलसी के पत्तों को तोड़ने का अपराध करता है वह घोर नरक में जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी माला धारण करता है और आंवले का फल खाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास के व्रतधारी को ब्राह्मणों को सम्मान सहित भोजन चंदन पुष्प पान और दक्षिणा देकर प्रसन्न करना चाहिए। व्रती को यह भी चाहिए कि पूरे मास वह भूमि पर शयन करे और कठोरता से ब्रह्मचर्य का पालन करे, पत्तल में भोजन करे, प्रभु के गुणानुनाद के उपरांत जो समय बचे उसमें मौन व्रत धारण करे। ऐसा करने वाला शूरवीर और तेजस्वी होता है। हे पुत्र, जो आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर दिन में एक ही बार भोजन करता है उसके वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रती को किसी प्रकार का तामसी अथवा बासी भोजन नहीं करना चाहिए।
भूल से भी देवता, वेदों, गो और ब्रह्म की, ब्राह्मण की निंदा नहीं करनी चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुए नमक, मसूर, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध, केवल अपने लिए पकाया हुआ अन्न, यह सब तामसी माने गए हैं। पृथ्वी पर फूलगोभी, मूली, गाजर, बैंगन, पेठा, जंगली घिया, लहसुन, प्याज तथा दोबारा पकाया गया भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रजस्वला नारी, मल्लेच, पतित और पाखंडी, इनसे वार्तालाप नहीं करना चाहिए। भोजन में संयम बरतें और नियम से भोजन करें। प्रतिपदा को पेठा, दूज को बैंगन, तृतीया को गोभी, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेलफल, षष्ठी को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या अथवा पूर्णमासी को नारी यानी फली वाला साग का सेवन नहीं करना चाहिए। हे पुत्र, कार्तिक मास भक्ति भावना को बढ़ाने वाला मास है, इसलिए श्रद्धालु को मन की पवित्रता बनाए रखने के लिए भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अन्न की शुद्धता मन को भी शुद्धि प्रदान करती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय, आंवला भी रखा हुआ, आंवले की जय बोलो। ठीक है जी, तो अब ये है, इसमें महत्व बताया है हमारी तुलसी माता और आंवले का कि कितना बड़ा महत्व है। हम तुलसी जी के समक्ष अगर कुछ भी करते हैं तो अब जो सारे तिल है ये मैं लोटे में डाल लिए हैं, ये देखिए, और अब इसको हम जल अर्पित कर देंगे। भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। जय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वो नारायण नारायण नारायण। बोलो तुलसा मैया की जय, सच्चे दरबार। अब आरती कर लेंगे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महीना भूल तो सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूल तो सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पट नमो, कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठे शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठे शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो 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 नमो, छप्पन भोग पच्चीस व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि जो तुलसा में जी की आरती गावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे, जो तुलसा में जी की आरती गावे, मनवांछित बल रिधि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी, वरो तुलसी माता की जय। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। आप सब भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, श्री हरि के चरणों में लगे रहें, सेवा में लगे रहें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी कथा, तो ज़रूर से आप लाइक, शेयर और कमेंट करना, और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी।